मैकेनिक्स अगर हम कहें तो फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए, प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हुए अगर हम किसी बॉडी की स्टडी करते हैं, बॉडी चाहे रेस्ट में हो या फिर मोशन में, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, किसी बॉडी का स्टडी चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स लॉ या फिजिक्स प्रिंसिपल, ये हमको क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स हो गया। अभी जब भी अगर मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इसमें इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो तीन तरह से इसको हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स को ही हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्लियर है? अभी कैसे क्लियर होगा, क्योंकि हमने बताया नहीं आपको कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है और न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होती है। उससे पहले हम तीनों क्लासिफिकेशन जो है उसको जान लेते हैं क्या क्या है। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, और थर्ड वन है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर इसको हम वेव मैकेनिक्स भी बोलते हैं, वेव मैकेनिक्स। ठीक है, ये तीन तरह के क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करें न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो न्यूटोनियन या क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है मैकेनिक्स की, जो भी प्रॉब्लम्स जिनको हम न्यूटन्स के लॉ का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकें, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल या न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होती है। न्यूटन के जो लॉ होते हैं वो रेस्ट में या फिर कोई वस्तु अगर थोड़ी बहुत मोशन में है तो उसके बारे में तो उसका सॉल्यूशन वो दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी है जो कि ट्रेवल कर रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, तब वहां पे हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स उस बॉडी की स्टडी करने के लिए फेल हो जाता है, तब रोल में आता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ये सिद्धांत दिया किसने, तो रिलेटिविस्टिक का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने दिया था, तो उसी बेसिस पे हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि जब कोई एक बॉडी है, कहते हैं ना कि एक कोई भी बॉडी या द्रव्य होता है तो वो कई सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर अणुओं के अंदर देखें, तो वो कई सारे परमाणुओं से मिलकर बनाता है। अगर हम परमाणुओं के अंदर देखें तो इसके अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये सीन होता है, नाभिक होता है, नाभिक के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जब हम किसी बॉडी के इतना माइक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं, और उसमें किन्हीं दो परमाणुओं के बीच के डिस्टेंस में क्या फर्क पड़ रहा है कोई फोर्स लगाने से, या फिर किन्हीं दो अणुओं के बीच में क्या फर्क पड़ रहा है कोई फोर्स लगाने से, या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स के बीच में क्या फर्क पड़ रहा है कोई फोर्स लगाने से, जब इसकी स्टडी करते हैं तब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, श्रोडिंगर और ब्रोगली जी ने, क्वांटम मैकेनिक्स का या वेव मैकेनिक्स का सिद्धांत उन्होंने दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब भी हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि किसी बॉडी, तो बॉडी सॉलिड हो सकती है या फिर फ्लूइड हो सकती है। तो सबसे पहले हम कहें कि सॉलिड, सॉलिड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लूइड्स की। तो सॉलिड्स जो बात करते हैं तो कोई ऐसी बॉडी, जिसपे अगर हम फोर्स लगाएं, और उस बॉडी में कोई अप्रिसिएबल अमाउंट का डिफॉर्मेशन नहीं आता, ठीक है, तो हम उस बॉडी को कैसे क्या कह देते हैं, सॉलिड। अब जैसे ये सिचुएशन ए है, अगर हम इसी को हम बात करें, ठीक है, तो फोर्स हमने लगाया लेकिन इसमें ये बी कंडीशन बनी, लेकिन इसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ए और बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब इसको हम कहते हैं सॉलिड्स। ठीक है,
लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड इसमें क्या होता है कि मान लिया ये एक सरफेस है, सरफेस पे ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड पड़ा हुआ है। अब अगर इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं F, और वो भी बहुत स्मॉल मात्रा में लगाना पड़ेगा, बहुत स्मॉल मात्रा में अगर हम फोर्स लगाएं तो ये क्या होगा, डिफॉर्म होके कुछ ऐसा शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि ये ए सिचुएशन थी, जब फोर्स लगाया हमने तो ये बी सिचुएशन जनरेट हुई। अब इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाने पे इसमें डिफॉर्मेशन आ गया, ये इसके शेप में चेंजेस आ गया, तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड। सॉलिड्स में एक और पॉइंट हम नोट डाउन कर सकते हैं कि जो सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या कहें तो जो अणु अणु होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, कि बाहर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के कारण भी वो एक दूसरे के जो रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वहीं अगर बात करें हम इसमें, अगर बात करें जैसे ये ए डैश पार्टिकल था, ये बी डैश पार्टिकल, तो वही ए डैश और बी डैश पार्टिकल अभी भी सेम डिस्टेंस पे, अभी सेम अपने स्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल बहुत स्ट्रांग है। वहीं अगर हम बात करें फ्लूड की, तो ये ए डैश है, ये अगर बी डैश है, तो अभी बी डैश कहीं यहाँ चला गया होगा और ए डैश कहीं यहाँ पे होगा, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल काम करता है, आकर्षण बल मतलब अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स जो काम करता है वो बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से बाहर से लगने वाले स्मॉल फोर्स की वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन या बॉडी के शेप में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट, अब अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स आप सबको पता है, सॉलिड्स का कोई भी, अगर हम बात करें स्टील रॉड, स्टील रॉड, ठीक है, फिर वुडन पीस है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंक्रीट सेट कंडीशन में, ठीक है, या फिर एग्रीगेट, ये हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सिविल इंजीनियर, ठीक है, इनसे हम हमारा हमारी जो भी स्टडी होती है इनसे रिलेटेड रहती है, तो इसलिए हम उनको मेंशन कर रहे हैं। फ्लूइड में बात करें तो क्या हो सकता है, वाटर, नेक्स्ट वाटर हो गया, फिर ऑयल है ना, पेंट, ये फ्लूइड की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं, ठीक। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे, फ्लूइड हो गया, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जिस पे जिसको लेकर हम किसी बॉडी की स्टडी करते हैं, जैसे कि मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, तो इनके बारे में आपने नॉर्मल वे में आपने पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस मेरे अनुसार नहीं रखती, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि मास क्या होता है, किसी भी बॉडी को डेवलप होने में जितना उसने क्या कह सकते हैं कि जितना द्रव्यमान उसने एक्वायर किया है उसको हम कह सकते हैं मास, ठीक है, तो मास कह सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी बॉडी का मास जो है वो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता इन द सेंस कि इसके इसके लिए एक टर्म और समझिए आप, वेट। तो वेट और मास ये दोनों सेम सेम होते हैं, सेम सेम नहीं होते हैं, मास किसी बॉडी का चेंज नहीं होता, लेकिन वेट किसी बॉडी का चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में, अगर हमने पढ़ा है कि जो वेट होता है W बराबर MG होता है, ठीक है, या MA होता है, तो अगर ये G का मान चेंज हो जाएगा तो वेट का मान चेंज हो जाएगा, तो अर्थ पे जी का मान अलग होता है, मून पे जी का मान अलग होता है। हमने बात किया कि जब लिफ्ट में हम ट्रेवल करते हैं या तो वहां पे हमने फील किया होगा कि बॉडी का ऐसा लगता है कि वेट एकदम शून्य हो गया या फिर बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो गई, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, वो जी का मान चेंज होता है वहां पे, ठीक है, जी में कुछ ऐड हो जाए तो वेट आपको भारी लगेगा, मतलब कि आपकी बॉडी का जो वेट था वो आपको भारी लगेगा, अगर जी का मान कम हो जाए तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं कुछ है ही, ठीक है। तो ये हो गया वेट और मास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, फिर आगे अगर कुछ आएगा इससे रिलेटेड तो हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है कि कोई भी इवेंट जब आकर होता है तो सक्सेशन ऑफ इवेंट को हम कह सकते हैं टाइम, ठीक है, टाइम इज द मेजर ऑफ द सक्सेशन ऑफ इवेंट। अब इसको समझने के लिए अगर हम बात करें कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अपनी धुरी पे घूम रही है, रोटेशन आप देख लीजिएगा, आई थिंक ऐसा ही है, बट हाँ ठीक है, तो घूम रही है। अभी इसको एक चक्कर पूरा करने में इसको लगता है एक दिन, ठीक है, अब एक दिन, कभी ये दिन थोड़ा सा बड़ा होता है, कभी ये दिन थोड़ा सा छोटा होता है, तो उसको इसमें जो है इसको मेजर करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको इसके लिए हमने क्या किया कि एक दिन को हमने 24 घंटे में 1 day = 24
24 आवर्स में डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद 1 आवर को हमने डिवाइड कर लिया 60 मिनट्स में, है ना। फिर 1 मिनट को अगर हम बात करें तो हमने डिवाइड कर लिया 60 सेकेंड्स में। तो ये जो सेकेंड्स है इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कह सकते हैं टाइम के लिए, क्योंकि इससे अब छोटा कुछ नहीं, ठीक है। सेकेंड को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, तो उसमें रखते हैं सेकेंड को, ठीक है, क्योंकि सेकेंड से 60 सेकंड से मिलकर एक मिनट बना होता है, 60 मिनट से मिलकर एक घंटा बना होता है, लेकिन सेकंड किसी चीज से मिलकर नहीं बना होता, फंडामेंटल यूनिट में आप सेकंड कह सकते हैं। तो टाइम मेजर करने के लिए सेकंड एक फंडामेंटल यूनिट है। अब सेकंड का कुछ डिफिनेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेकंड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सेकंड को डिफाइन करने के लिए कहा गया है द यूनिट ऑफ टाइम इज टेकन एज अ सेकंड व्हिच इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड ऑफ द रेडिएशन ऑफ सीजियम 133 एटम, ठीक है, समझ में आया कुछ, मेरे को तो नहीं है। तो ये जानिए कि सेकंड को एक स्टैंडर्ड है कि एक ड्यूरेशन होता है जिसमें 9192631770 पीरियड ऑफ रेडिएशन ऑफ द सीजियम 133 एटम के ड्यूरेशन को हम एक सेकंड बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्पेस की, अभी सेकंड भी हो गया, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्पेस की। तो स्पेस क्या होता है कि अगर हम कोई बॉडी किसी बॉडी की स्टडी करते हैं तो हम उस बॉडी को किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक रीजन में हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। मान लिया अगर ये एक बॉडी है तो ये हमारे लिए एक स्पेस हो गया, ठीक है। तो स्पेस को डिफाइन करने के लिए ज्योमेट्रिक रीजन इन विच द स्टडी ऑफ बॉडी इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड स्पेस। अब स्पेस के अंदर किसी पर्टिकुलर मान लिया इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे अगर एक्स वाई की बात करें तो इसमें एक्स मान लिया ये एक्स मिलता है और ये वाई मिलता है, तो इसको हम एक्स और वाई कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम तीसरा कोऑर्डिनेट भी लेके चलते हैं तो इसको हम एक्स वाई एक्स कमा वाई कमा जेड भी कह सकते थे। अगर इसमें एक और टर्म यूज करते हैं कि टाइम की बात करते हैं कि ये पार्टिकल अगर इस टाइम पे यहाँ पे था एक्स वाई और जेड पे ये पार्टिकल इतने समय पे था तो वहां पे एक और कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता है जिसको हम टाइम या टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्पेस किसी पार्टिकल को किसी स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये हम कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके बात करते हैं क्योंकि इसको हमने 0 0 माना है, यहां से कोई अगर ये यहां से अगर इसको कंसीडर करेंगे तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम किसी पॉइंट ये नोन पॉइंट होगा, यहां से हम किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट भी दो तरह के होते हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है और एक आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेस की बात। अभी इसमें आप लोग ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये सारे एक टर्म्स होते हैं जो अभी कभी कभी आएंगे, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर ले रहे हैं। मेन जो हमारा मैकेनिक्स है वो कॉन्सेप्ट बेसिस है कि कोई पार्टिकल है उस पर कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स के लगने की वजह से किस हिसाब से उसमें रिएक्शन आ रहे हैं, किस हिसाब से बॉडी डिफॉर्मेशन में जा रही है, तो वो सब हम स्टडी करेंगे। उसमें आपको परेशान होने की बात है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। स्पेस हो गया, फिर हम बात करेंगे लेंथ की। तो लेंथ जैसे किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर हमको मीजर करना है तो उसके लिए हमको लेंथ के बारे में बात करना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर प्लेन का एरिया हमको निकलना है तो वहां पे भी हमको लेंथ की बात करनी पड़ेगी। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट डिसाइड किया है जिसको हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मीटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको भी डिफाइन किया गया है कि मीटर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ जो है यूपी में मीटर अलग हो और तमिलनाडु में मीटर अलग हो, तो इसलिए इसको भी एक मीटर की एक पर्टिकुलर डिफिनेशन है। तो इसके लिए दो तरह के डिफिनेशन है, एक तो हम कह सकते हैं कि मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड बार ऑफ प्लेटिनम इरेडियम केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। तो प्लेटिनम और इरेडियम की एक रॉड है, उसकी जितनी लेंथ होती है उसको हम एक मीटर बोलते हैं, ठीक है। कहाँ रखी है वो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में रखी हुई है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें भी अगर डिग्रेडेशन हो गया है कुछ थोड़ी बहुत इसकी लेंथ में चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके मतलब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए भी क्या हुआ है कि इसका एक और डिफिनेशन दिया गया है टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। नाउ मीटर इज डिफाइंड एज द 169076373, मैं बोल रहा हूँ 169076373
वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86, ठीक है, इस इतनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 एटम की जो वेवलेंथ होती है उसको हम अच्छा सा मीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो मीटर को दो तरह से डिफाइन किया गया, एक तो आपका हो गया प्लेटिनम इरिडियम की एक रॉड है जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में रखी हुई है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि उसको और कहीं हमको बनाने में यह सारी चीजों में डिफिकल्टी आती है, वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, तो इसलिए हम दूसरा भी इसका डिफिनेशन देते हैं कि जो क्रिप्टॉन 86 है उसके 169076.73 वेवलेंथ की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं मीटर। समझ में आया, ठीक है, मतलब इसमें जो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसकी डिफिनेशन हमको नहीं आएगी तो हमारी मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं होगी, तो बिल्कुल नहीं। फिर हम बात करेंगे कंटिनम की। कंटिनम क्या होता है, एक टर्म आएगा कंटिनम। तो कंटिनम कुछ नहीं, अभी जब भी हम किसी बॉडी की बात करेंगे जिसकी हमें स्टडी करें तो हो सकता है कि ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना, ठीक है। तो अब हम हर पार्टिकल को लेकर तो स्टडी करते नहीं, इस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं ना कि हम एक एक पार्टिकल पे जनरल वे में, ठीक है। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो वो अलग बात है कि हम पार्टिकल्स की बात करेंगे, पार्टिकल्स के भी अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे करके होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या है कि एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उस बॉडी के शेप में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो वहां पे हम उसके अंदर काहे से भी मिलकर बना है उसको हम मानेंगे कि वो एक समान प्रकार के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और एक समान पार्टिकल से मिलकर बना होने की वजह से हम पूरी बॉडी को एज अ कंटिन्यूम बोलते हैं कि क्या है वो कंटिन्यूम, कंटिन्यूअस किसी मैटर से मिलकर बना हुआ है जिसकी वजह से हम उसको कंटिन्यूम बोलते हैं। समझ में आया, कंटिन्यूम का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, कोई एक बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हो सकती है, लेकिन हम जब किसी बॉडी की स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हम ये बोलते हैं कि बॉडी एक समान द्रव्य से मिलकर बनी हुई है जिसको हम कंटिन्यूम कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात, नेक्स्ट हम देखेंगे रिजिड बॉडी, ठीक, ये टर्म आपको आना चाहिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, रिजिड बॉडी। कोई भी पूछे कि रिजिड बॉडी क्या होती है, तो एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर मान लिया दो पॉइंट, या कहें तो इसको सही तरीके से अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि तीन पॉइंट लेके चले, ठीक है। तो यहां पे मान लिया ये L1 है, ये L2 है, ये L3, ये पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। मेरा कहने का क्या मतलब है वो अभी आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास बॉडी है, बॉडी में तीन पॉइंट हमने कंसिडर किया, ए बी और सी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस L1 है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस L2 है, और ए सी और ए के बीच में डिस्टेंस L3 है। अगर हम इस बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं, मान लिया फोर्स F लगाए, अभी फोर्स लगाया तो इसमें क्या होगा, हो सकता है कि बॉडी किस बॉडी में रोटेशन आ जाए, बॉडी में रोटेशन आ जाए, रोटेशनल फोर्स हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी में रोटेशन आ सकता है, तो बॉडी का जो शेप है वो आ गया, मान लिया वो रोटेट होके कुछ ऐसे हो गई, रोटेट होके कुछ ऐसे हो गई, लेकिन ऐसे हो गई, लेकिन अभी भी क्या है इसमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस L1 ही है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस L2 ही है, और सी और ए के बीच में डिस्टेंस L3 है। मतलब कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो सेम पोजीशन पे अभी भी बने हुए हैं। समझ आ रहा है ना कि बॉडी के अंदर, बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशंस को बनाए रखें, भले ही बॉडी की पोजीशन चेंज हो जा सकती है, कि बॉडी हो सकता है कि रेस्ट में रही हो, फोर्स लगाने पे मोशन में आ गई हो, ठीक है, या मोशन में रही हो तो रेस्ट फोर्स लगाने पे रेस्ट में आ गई हो, या मोशन में रही हो फोर्स लगाने से कम मोशन में आ गई हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो बहुत तेजी स्पीड में थी, अगर हमने बाहर उसको रोका किसी फोर्स से तो हो सकता है वो स्लो हो गई हो, ऐसी कंडीशंस अगर हो सकती हैं, लेकिन बॉडी के अंदर कोई अगर एक पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, पॉइंट सी था, तो वो सेम पोजीशन पे ही रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक तो हो गया आपका रिजिड बॉडी, दूसरा क्या हो सकता है नॉन रिजिड, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है नॉन रिजिड, नॉन रिजिड को और भी कुछ बोलते हैं, चलिए नॉन रिजिड का तो नहीं है बट नॉन रिजिड देख लेते हैं, नॉन रिजिड क्या होता है, इसमें ये देख लीजिए कि L1 इसको L1 डैश कह सकते हो, L2 डैश कह सकते हो, L3 डैश कह सकते हो, L1 इज इक्वल टू L1 डैश, L3 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L2 डैश और L3 इज इक्वल टू L3 डैश, ये कंडीशन रहेगी इसमें, ठीक है।
लेकिन अगर नॉन रिजिड की बॉडी की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी थी, यहाँ पर कोई पॉइंट ए था, यहाँ पर कोई पॉइंट बी था, इसको तो दो ही पॉइंट बता के हम डिफाइन कर सकते हैं। किताबों में आपको भी यहाँ पे दो ही पॉइंट मिलेंगे, लेकिन दो पॉइंट हो सकता है कि ये दो पॉइंट एक ऐसी प्लेट टाइप में हो कि ये पॉइंट सेम रहे लेकिन तीसरे के रिस्पेक्ट में चेंज आ जाए, तो इसलिए मैंने तीन पॉइंट बताया। रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होता, रिजिड बॉडी में सारे पॉइंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम पोजिशन में रहते हैं, इसलिए हमने तीन पॉइंट बना के आपको समझाने की कोशिश की। अभी नॉन रिजिड या डिफॉर्मेबल बॉडी में जो क्या होता है कि अगर ए है ये बी है इसके बीच की डिस्टेंस मान लिया एल वन, तो ये भी ऐसी कंडीशन में आ गई, और इसको थोड़े से अभी इसमें हम एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स एफ लगाए, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा रोटेशन भी देखो आ गया। और दूसरी चीज क्या हुआ कि यहाँ पे जो L1 और L2 है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, कि ये जो डिस्टेंस है ये अभी L1 के बराबर नहीं होगी, ये हो जाएगी L2, मतलब कि पोजीशन में चेंजेस आ गया, जो पार्टिकल जहां था वहां ना रह के वो दूसरी पोजीशन में पहुंच गया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इसमें यहाँ पे L1 इज नॉट इक्वल टू L2, ये हो गया नॉन रिजिड या डिफॉर्मेबल बॉडी, नॉन रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। बहुत ज्यादा कंसर्न करने की जरूरत नहीं है कि थोड़ा सा राइटिंग में हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, बट आई थिंक आप लोग को फोकस करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, ना कि राइटिंग पे। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है, ये आपने देख लिया। अब एक टर्म इसमें दे रखा है कि पार्टिकल, पार्टिकल क्या होता है, तो पार्टिकल तो कोई भी बॉडी एज अ पार्टिकल ट्रीट किया जा सकता है, या फिर कोई भी पार्टिकल एज अ बॉडी ट्रीट किया जा सकता है। वो होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। और जैसे कोई एक सिप है, सिप अपने आप में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर वही सिप, ये एक सिप, ठीक है, लाइक दिस, एक ये सिप, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं एक समंदर में, ठीक है। तो समंदर में एक सिप क्या है, एक पार्टिकल, तो कोई भी बॉडी एक पार्टिकल यू हो सकती है, एक पार्टिकल कोई एक बॉडी हो सकती है, तो इस पर ज्यादा कंसर्न करने की बात नहीं। तो ये तो होता है कि जब हम स्टडी करते हैं तो क्या हम लेके चल रहे हैं, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं। नेक्स्ट हम अभी जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की चीज है वो स्टार्ट करते हैं, फोर्स, ठीक है, ये मेन मुद्दा है हमारा फोर्स। अब फोर्स क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से पहले अगर क्वेश्चन आ रहा हो कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, एक मिनट चलना से, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को बनाए रखेगी, अपने स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, वो बनाए रखेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को बनाए रखेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो। तो कहने का मतलब है कि अगर आप हमेशा चलायमान स्थिति में रहेंगे जब तक को आपसे आपके ऊपर कोई बाहरी बल ना लगे, किसी पार्टिकल को अगर हमने फेंका एयर में तो वो उड़ता ही रहेगा, उसी अवस्था में उड़ता रहेगा, सेम डायरेक्शन में उड़ता रहेगा, अगर उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है, नहीं, क्योंकि एक फोर्स है बिन बुलाए मेहमान की तरह, वो हमेशा आपके साथ रहता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ था, न्यूटन का सेब जो है उसी की वजह से पृथ्वी पर गिरा था, पेड़ से टूटकर पृथ्वी पर गिरा था, तो कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और भी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये क्या होता है कि अब हम बात करते हैं जैसे कोई, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि एक बार गाड़ी को हम स्टार्ट कर दिए, उसको धक्का दे दिए 40 किलोमीटर स्पीड से हमने, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने उसको एक्सेलरेट कर दिया, अभी ये कंटिन्यू चलती रहेगी, हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं और हमारा पेट्रोल भी खर्चा ना हो। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बाहबल कार्य करते हैं। कैसे बाहबल काम करते हैं, एक तो इसके टायरों के बीच में एक गठर बल जो कि इस गाड़ी को इधर रोकने की कोशिश करते हैं, दूसरी चीज इधर से एक फोर्स काम करेगा जिसको हम कह सकते हैं कि एयर
के द्वारा लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी को रोकने का काम करेगा, या फिर अगर बॉडी किसी ढलान में ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो इसका वेट जो होगा, बॉडी का वेट जो होगा, उसका एक कंपोनेंट इसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे ऐसे वाह बल होते हैं जो कि बॉडी को रोकने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा फोर्स जो होता है, मान लिया सब कुछ हम निगलेक्ट करते हैं, फिर भी कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जो कि इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं करेगा अगर वो प्लेन पे चलेगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि टायर और रोड के बीच में लगेगा। दूसरा, जो भी टायर जब रोटेट करता है तो उसके बीच में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब बियरिंग में, बियरिंग रोटेट करती है, बियरिंग के अंदर छर्रे लगे होते हैं, आप लोग को पता है, तो उन छर्रों में बॉल जो होती है ना, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से वो इस मोशन को रोकते हैं, वेलोसिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारी गाड़ी एक बार की धक्का मारने से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, ठीक। तो ये सारे बाह बल होते हैं जो कि बॉडी को रोकते हैं। तो हम कहाँ थे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई भी बॉडी अपनी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह बल कार्य ना करे, ठीक है। तो अगर ये v बराबर 10 किलोमीटर पर आर है तो ये हमेशा v बराबर 10 किलोमीटर पर आर ही रहेगी, अगर इस पर कोई भी बाह बल जो है नहीं लगा। लेकिन इस पर कोई बाह बल लगेगा तो ये थोड़ा थोड़ा स्लो होकर v बराबर 5 में आ जाएगी किलोमीटर पर आर, और आगे जाके v बराबर 0 भी हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ये तो बॉडी मोशन में थी तब उसकी बात कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ये अभी भी रेस्ट में होगी, सुबह भी रेस्ट में होगी, शाम में भी रेस्ट में होगी, हमेशा रेस्ट में होगी, अगर उस पर कोई बाह बल कार्य ना करे तो। ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अभी हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की, जिसके अकॉर्डिंग हम फोर्स को भी डिफाइन करेंगे और समझेंगे। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ, अभी ये क्या कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा, किसी बॉडी में जो फोर्स काम करता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। क्या आपको समझ में आया? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हूं तो कुछ थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा आपको समझाने के। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है, किसी बॉडी में लगने वाला फोर्स, इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां से क्या निकल के आता है कि अगर इसको हम फिर से तोड़े, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिखते हैं मास गुणे वेलोसिटी, ठीक है। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि मास जो है, किसी चीज का मास जो है, द्रव्यमान, उसका चेंज नहीं होता है, तो इसको प्रोपोर्शनल टू, मास चेंज नहीं होगा तो मास को हम बाहर ले लेंगे, तो मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। इस टर्म से कुछ याद आ रहा है आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो इसको प्रोपोर्शनल टू मास इनटू, इसको हम अगर थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिस पे लिखेंगे तो इसको हम कह सकते हैं dv/dt। अभी तो कुछ आया होगा? नहीं आया, कोई बात नहीं। तो v क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और dt क्या होगा, सेकंड। तो यहाँ से कुछ आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आया होगा भाई। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, किस रेट से हमारी वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ए और ई में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उस पर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा, अगर आपको पता है तो सही कर लीजिए, नहीं पता है तो जो मैंने बोला उसी को सही कर लीजिए, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। एफ इक्वल टू, अगर लिखें अभी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लगा देंगे, मान लिया के बराबर एम ए, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट से ये के की वैल्यू ए वन निकल के आए, तो एफ बराबर हम एम ए कंसीडर करते हैं, ये हो गया हमारा वेट, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा कि कैसे निकला, न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करते हुए हमने फोर्स निकाला।
न्यूटन की थर्ड लॉ का भी साथ में देख ही लेते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी बॉडी, अंग्रेजी में बताए हिंदी में बताए, चलिए हिंदी में बताते, कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी किसी भी अनदर बॉडी पे एक फोर्स लगा रही है, मान लीजिए बॉडी है और इस प्लेन पे एक फोर्स लगा रही है, फोर्स क्या हो सकता है इसका, इसका वेट हो सकता है, तो फोर्स मान लिया एफ, ठीक है, ये फोर्स लगा, तो ये जो बॉडी जिस दूसरी बॉडी पे है, जिस प्लेन पे जो फोर्स लगा रही, वो प्लेन भी उस बॉडी पे उतना ही परंतु अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही परंतु अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर इसको हम थोड़ा सा बाहर करके लिखें, मान लिया ये फोर्स कितना था एफ, तो ये बॉडी भी इस पे कितना फोर्स लगाएगी, तो एवरी बॉडी, इसको थर्ड लॉ को कुछ बोलते हैं, एवरी बॉडी हैव इक्वल रिएक्शन, ऐसा करके अभी मैं समझाने की बात कर रहा हूं, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जब कोई बॉडी किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी भी बॉडी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाती है जितना कि पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। आया समझ में, नहीं आया तो यहां से देखिए ना कि बॉडी ए था और प्लेन बी था, तो बॉडी ए प्लेन बी पे कितना फोर्स लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, कौन सा डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अभी नेक्स्ट उसमें हमने देखा कि उतना ही फोर्स जो प्लेन बी था वो बॉडी ए पे लगाएगा लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल बॉडी हैव इक्वल एक्शन रिएक्शन कुछ करके, तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, समझ में आया, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ये कौन सी चिड़िया, तो ये कोई चिड़िया नहीं है, ये बता रहा है कि अगर हम किसी फोर्स को डिफाइन करना है हमें तो उसके लिए हमको चार टर्म पता होने चाहिए, कौन कौन सा, एक तो आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, दूसरा आपका लाइन ऑफ एक्शन, तीसरा आपका डायरेक्शन, और क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। ये चार चीज पता होनी चाहिए किसी फोर्स को डिफाइन करने के लिए। नॉर्मली हम कहते हैं कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए दो चीजें की जरूरत पड़ती है, एक परिमाण और एक दिशा, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर वे में अगर किसी बॉडी में कोई फोर्स लग रहा है तो उसको प्रॉपर वे में डिफाइन करने के लिए हमको चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके लिए हम देखते हैं, मान लिया ये एक सीढ़ी है, ठीक है, कुछ ये रखिए, अब इस सीढ़ी पे एक फोर्स काम कर रहा, कितना है वो फोर्स, एफ, एफ क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, डाउनवर्ड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो एफ हो गया, लाइन ऑफ एक्शन कह सकते हैं वर्टिकली, वर्टिकली, डायरेक्शन कह सकता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लिया किसी ए पॉइंट पे काम कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो चारों चीजों की जरूरत पड़ती है। अब इसमें अगर हम लाइन ऑफ एक्शन तो चलो पता है कि मेरे को काम कर रहा है वर्टिकली, लेकिन डायरेक्शन ना बताएं, वर्टिकली डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो प्रॉपर वे में इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। मैग्नीट्यूड तो सबसे ज्यादा जरूरी है, कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं, एफ का मान हो सकता है 10 किलो न्यूटन, 10 न्यूटन या कुछ भी हो सकता है, एफ तो एक मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है, एक संख्या होगी। फिर उसके बाद लाइन ऑफ एक्शन भी आपने समझा क्या होता है, वर्टिकली, फिर उसके बाद डायरेक्शन डाउनवर्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका ए, अब लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे वर्टिकली हो गया, या फिर अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा होता है तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, अलोंग द लाइन ए बी या ए सी, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाता है। तो ये चार चीजें जरूरत होती हैं किसी भी पॉइंट फोर्स को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट्स की, तो यूनिट्स में अगर हम बात करें तो हमने देखा मास, मास को हम किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम, ये ग्राम सबसे छोटी यूनिट, और भी उसमें होता है, तो इसमें
पद्धति होती है, पद्धति सिस्टम कह सकते हैं, सिस्टम यूनिट सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस में क्या होता है, जो एम होता है, एमकेएस, एम क्या है, मास, तो मास नहीं सॉरी मीटर, ये मीटर है लेंथ की यूनिट। फिर के क्या होता है, के होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और एस क्या होगा यहाँ पे, ये टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है सेकेंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं हमको। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होगा। फिर सीजीएस की बात करेंगे, सी जी एस, तो सी क्या है, सी क्या है, सी हो गया आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी आपका हो गया ग्राम, और एस क्या हो गया सेकेंड, तो सेकेंड इसमें भी सेम रहेगा और एमकेएस में भी सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करें एफपीएस यूनिट की, तो एफ क्या हो गया फुट, ठीक है, पी क्या हो गया, पी क्या हो गया वेट, क्या ये होता है आपका पाउंड, पाउंड ही बोलते हैं ना, वेट का पाउंड, वो पैसे वाला पाउंड नहीं, अगर इसमें स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है तो आप लोग देख लीजिएगा। और एस तो सेकंड होगा, ठीक है, तो आपने देखा कि एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस, ठीक, ये हो गया यूनिट्स। यूनिट्स में कुछ सिस्टम्स हैं, यूनिट सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अभी हम बात करेंगे एसआई यूनिट्स, तो ठीक है, अब एमकेएस से पूरी दुनिया एसआई यूनिट्स में शिफ्ट हो रही है। एसआई यूनिट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, एमकेएस और एसआई लगभग सेम है, बट इसमें जो वेट होता है उसमें होता है, उसमें चेंजेस होता है। तो एमकेएस में हम क्या कहते हैं कि अगर वेट को डिफाइन करना रहता है तो उसमें किलोग्राम वेट करके बोलते हैं, किलोग्राम वेट करके। लेकिन अगर हम एसआई यूनिट्स में हम बात करेंगे तो उसमें जब वेट को हम डिफाइन करते हैं न्यूटन से, ठीक है। तो अगर हम कहें कि एमकेएस में किसी उसको एक किलोग्राम वेट बोलेंगे, वहीं अगर हम एसआई यूनिट्स में बात करें तो इसको 9.81 न्यूटन बोलेंगे, क्लियर। तो ये फर्क रहता है एमकेएस और एसआई में, और सारी चीजें सेम है, मीटर और सेकेंड वो सेम है, बस फोर्स की या वेट की परिभाषा इसमें चेंज हो जाती है। तो ये हो गया यूनिट्स में। अब कुछ टर्म होते हैं, जैसे टेरा को 10^12 बोलते हैं, गीगा को 10^9 बोलते हैं, मेगा को 10^6 बोलते हैं, किलो को 10^3 बोलते हैं। वैसे अगर इसके माइनस में जाएं तो मिली को -3 बोलते हैं, माइक्रो को -6 में, नैनो -9, पी को -12 और फेंटो -15 और एक्टो -18। तो ये हो गया, कुछ कन्वर्जन होता है उससे रिलेटेड था। फिर हम बात करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स, स्केलर एंड वेक्टर, बहुत अच्छे टर्म है, आप लोग का पीछा काफी दिनों से ये लोग कर रखे हैं, तो अगर आपको आता है तो बेस्ट है, नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, हमने भी कोई बहुत अलग सा नहीं सीखा, वही जो आप लोगों ने सीखा है वही मैं बता रहा हूँ। स्केलर क्या होता है कि कोई एक क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल उसके परिमाण की ही आवश्यकता पड़े तो हम उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक, कोई क्वांटिटी, कोई ऐसी क्वांटिटी जिसको व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता पड़ती है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फिर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो स्केलर में हम देख लेते हैं कि एग्जांपल अगर हम वेट की बात करें, ठीक है, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो मास है ना और एरिया, एरिया को भी हम कहेंगे कि मीटर स्क्वायर, बस हो गया 10 मीटर स्क्वायर, कहानी खत्म, मास 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, तो कहानी खत्म उससे, ठीक है। वॉल्यूम है ना, या टाइम, टाइम को भी रिप्रेजेंट करने के लिए बस हमने क्या कहा कि 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, 360 दिन, तो इससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चीजों का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर। अब अगर हम कहें कि क्या कहें, फोर्स, ठीक है, क्या कहें, हम फोर्स के बारे में बात करें, तो अभी हमने देखा कि फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 चीजों से हम खान चलाते हैं, तो फोर्स कितना है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारा बहुत बहुत ही जरूरी होता है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक तो मैग्नीट्यूड, मान लिया 10 न्यूटन का फोर्स है, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, इसके लिए हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो एफ एक कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और भी चीजें हैं,
वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, स्पीड को रिप्रेजेंट करते, अभी इस गाड़ी की स्पीड कितनी थी, कोई पूछे अगर इस गाड़ी की स्पीड कितनी थी तो हम कह देंगे 40 किलोमीटर पर आवर है, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसके लिए अभी हमको ये नहीं डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि किधर थी। जब वो किधर की बात करता है तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं कि हवा किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से चल रही है। तो हवा नॉर्थ डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, तो वहां पे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, जहां पे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वेक्टर और स्केलर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी एग्जांपल आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिए और खुद से पूछिए कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या इसको परिमाण से केवल हम व्यक्त कर सकते हैं या फिर इसके साथ साथ हमको दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो वो आप अपने से करेंगे तो बेटर रहेगा, समझ में आएगा कि कौन से स्केलर है कौन से वेक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अभी हमने देखा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है, और अभी हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, दो डिफरेंट क्वांटिटीज को अगर हम जोड़े तो उसे हम कंपोजिशन बोलेंगे। अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज को किसी दो डायरेक्शन में तोड़े, दो डायरेक्शन तीन डायरेक्शन में अगर तोड़ते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि रिजोल्यूशन। ठीक है, तो कंपोजिशन और रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके बारे में समझो। एक बार ना समझ में आए फिर से देखो इस चीज को, क्योंकि लाइव टर्म है नहीं। ये है कि अगर आप लोग इसको देखते हैं, थोड़ा बहुत प्यार देते हैं, तो इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि हेल्प करने के लिए। कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो कंपोजिशन का क्या होता है कि अगर डायरेक्टली हम आते हैं किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, मान लिया एक ये बॉडी है, ठीक है, और इसमें एक यू फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है, ये एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया। तो अगर हम इसको जोड़ के कोई एक ऐसा फोर्स बना दे कि जो इन दोनों, जो कि बॉडी में वही चेंज लेके आए जो ये दोनों फोर्स मिलकर ला रहे, ठीक है। अगर आप यहां से आप सोचे कि इधर से एक फोर्स काम कर रहा है और इधर से एक फोर्स काम कर रहा है, तो ये इस बॉडी को किधर लेके जाएंगे, इधर से यह धक्का मारेगा इधर मूव होगी, और इधर से यह धक्का मारेगा तो इधर मूव होगी, मतलब कि ये किसी इस डायरेक्शन में जाएगी। सोचिए आप लोग, जब तक सोचेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई, किसी इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब कि इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा काम करेगा कि अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो सोचिए, अभी ये निकला नहीं, इसको निकालेंगे क्या डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट का क्या नहीं होगा, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी आप जब इसको समझेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है एफ एक्स, वाई डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है वाई, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, ये एक्स वाई डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा एक्स चला थोड़ा वाई चला, तो मतलब कि पहुंचे इधर एक्स वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों फोर्सों को यहाँ से हम हटा दें, इसको और इसको, लेकिन एक कोई फोर्स यहाँ पे हम एफ आर लगा दें, ठीक है, क्या मतलब रिजल्टेंट फोर्स इसको लगा दें, तो सेम उसी डायरेक्शन में उतना ही डिस्प्लेसमेंट आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो फोर्सों को जोड़ के अगर हम एक सिंगल फोर्स बना दें, उसका हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, और वही सेम इफेक्ट बॉडी के अंदर लेके आए जो ये इंडिविजुअल फोर्स लेके आ रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, सॉरी कंपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फोर्स। तो कंपोजिशन ऑफ फोर्स समझ लिया। अभी ऐसे ही अगर हम इसी इसका विपरीत हम देख लेते हैं कि मान लिया हमारे पास सेम बॉडी है, ठीक है, और एक फोर्स यू इस पे काम कर रहा है, मान लिया कितना एफ आर। अब इन इस एफ आर को हम क्या करें कि दो फोर्सों में हम तोड़ दें, दो फोर्सों में तोड़ दें, किसी दो डायरेक्शन में, एक मान लिया एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स में और एक वाई एफ वाई में। तो हम देखेंगे कि अगर इसको हटा दें और इन दो फोर्सों को इस तरह से हम लगा दें तो सेम इफेक्ट दे जो कि ये सिंगल फोर्स दे रहा था, तो उसको हम बोलेंगे रिजोल्यूशन। मतलब फोर्सों को अगर हम जोड़ के सिंगल फोर्स बना दें उसको हम बोलेंगे कंपोजिशन, अगर एक सिंगल फोर्स को दो डिफरेंट फोर्स में तोड़ दें तो उसको बोलेंगे हम रिजोल्यूशन। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है ना। अब कंपोजिशन के लिए कुछ
नियम है, साइंटिस्टों ने बहुत सारी मेहनत किया है, अब उस मेहनत को हम थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या क्या नियम दिया उन्होंने। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इतने आराम से समझने की बात है, बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर किसी एक बॉडी पे, ठीक है, किसी एक बॉडी पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में दो फोर्स काम कर रहे हैं, मान लिया कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ये F1 काम कर रहा है, ये F2 काम कर रहा है, तो हमारे साइंटिस्टों ने ये बताया कि अगर इस हिसाब से दो फोर्स काम कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, किसी बॉडी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, दो फोर्स काम कर रहे हैं, तो इनका हम जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको, ये चतुर्भुज तो बना लेकिन कौन सा चतुर्भुज वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम अगर बनाते हैं तो जो ये इसका विकर्ण होगा, ये विकर्ण जो होगा मतलब कि ये काहे के बराबर होगा, एफ आर के बराबर, रिजल्टेंट के बराबर होगा, क्लियर है। तो पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो फोर्स काम कर रहे हैं और उन दो फोर्सों से हम अगर एक पैरेललोग्राम बना देते हैं तो जो उसका विकर्ण होगा वो उसके रिजल्टेंट के बराबर होगा और विकर्ण का जो डायरेक्शन होगा वो उनके रिजल्टेंट के डायरेक्शन को शो करेगा, क्लियर है, यही पैरेललोग्राम लॉ। अब इसी पैरेललोग्राम लॉ से हम जो एनालिटिक एक फॉर्मूला होता है कि रिजल्टेंट निकालने का, वो भी इसी से निकालेंगे। कैसे, थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना लेते हैं, तो मान लिया ये था और कुछ ये था, ठीक है, सही नहीं है, इसी को सेम कॉपी करते हैं और यहां लगा देते हैं, सॉरी सॉरी, कॉपी करते हैं और यहां हम पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये F1 था, ये F2 था, तो ये हमारा F1 होगा और ये हमारा F2 होगा, ठीक है। अगर हम उसको A से रिप्रेजेंट करें, इस पॉइंट को हम B से रिप्रेजेंट करें, इस पॉइंट को हम C से, इस पॉइंट को हम D से, ठीक है, A B C D। अभी हम अगर इसको इस तरह से मिला दें और ये पॉइंट कह सकते हैं E, ठीक, और हमारा जो पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट किससे शो कर रहा था, इससे शो कर रहा था, ये हमारा रिजल्टेंट हो गई, ये किसके बराबर है, एफ आर के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये दोनों फोर्स, ये दोनों कितने एंगल पे थे, थीटा एंगल पे थे, एक दूसरे से थीटा एंगल पे थे, तो ये भी थीटा ही होगा, क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, हमको निकालना क्या है, एफ आर, तो हमको पता है कि किसी एक समकोणीय ट्रायंगल, समकोणीय ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ए डी ए ई डी, ठीक है, ए ई डी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ए ई डी हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि एफ आर का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, समझ में आई, रॉकेट साइंस है, ठीक है, तो रॉकेट साइंस नहीं है और हमें भी लगता है कि रॉकेट साइंस भी इसी तरह से इजी साइंस होगी लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं तो उसको इसलिए उसको रॉकेट साइंस बोला जाता है। तो चलिए रॉकेट साइंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कर्ण का स्क्वायर उसके आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब यहाँ से ए ई जो है, क्या बात है, ए ई बराबर क्या है, ए ई बराबर ए सी प्लस सी ई, ए सी प्लस सी ई, लेक्चर काफी बड़ा हो रहा भाई है, तो इसको कंटिन्यू करें या फिर लेफ्ट करें, बट नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो यहां से हम देखा ए सी बराबर
हमें पता है क्या एफ टू, बट सी ई बराबर हमको नहीं पता है। तो सी क्या एफ वन कॉस थीटा बोल सकते हैं, इसको हम एफ वन कॉस थीटा बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम एफ वन साइन थीटा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं हिसाब से तो बोल सकते हैं। तो आप लोग भी बोलिए, समझ में आया तो बोलिए, नहीं आया तो फिर देखिए समझिए, बहुत प्यार से मैं समझा रहा हूँ। तो ए बराबर ए सी प्लस सी ई, ए सी को हम एफ टू बोलेंगे और सी ई को बोलेंगे एफ वन कॉस थीटा, ठीक। तो हमको ए ही निकला है अब, और दूसरा क्या था डी ई, डी ई को क्या बोल रहे हैं एफ वन साइन थीटा, रख देते हैं। तो एफ आर बराबर हो जाएगा ए ई मतलब कि एफ टू प्लस एफ वन कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस डी ई की बात करें तो एफ वन साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ से अगर इसको हम ओपन करेंगे तो एफ टू का स्क्वायर प्लस एफ वन का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा प्लस एफ वन का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एफ वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, ठीक है भाई, इसको पकड़ते रहना, समझते रहना भैया। तो एफ वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, गुड, पता तो है आप लोग को, फिर क्या टेंशन। तो एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा, ये एफ आर स्क्वायर है, बता नहीं रहा आप लोग। तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से एफ आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा। याद कर लो, समझ लो, चार बार की इस एक्सप्रेशन को अपने से डिराइव कर लो, क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, एक दिन रॉकेट साइंस भी पढ़ेंगे, फिर रॉकेट साइंस को बताएंगे कि वो भी एक रॉकेट साइंस नहीं है। तो एफ आर बराबर हो गया अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा। ये तो हो गया कि रिजल्टेंट की वैल्यू, ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट का अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि वो एफ टू से किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एफ टू से कितना एंगल वो क्रिएट कर रहा है, तो एफ टू से अगर एंगल पता चल जाएगा तो हम एफ वन से भी पता बोल सकते हैं कि वो कितना हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, है ना। तो एफ टू से अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, यहीं से देख लो, यहां से हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर कितना होता है, टैन अल्फा बराबर दूसरे कलर से देख लेते हैं, टैन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब इसका कितना है एफ वन साइन थीटा और आधार कितना है आपका एफ वन एफ टू प्लस एफ वन कॉस थीटा, ठीक है, ये रहेगा एफ वन साइन थीटा, यहाँ पे F2 प्लस F1 cos theta, तो यहाँ से अल्फा बराबर निकल सकता है कि tan इनवर्स F1 sin theta अपॉन F2 प्लस F1 cos theta, क्लियर है भाई। ये बहुत बड़ा काम हो गया कि हमको FR की वैल्यू मिल गई, अल्फा की भी वैल्यू मिल गई, अब हम बवाल मचा सकते हैं, बवाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना बवाल काफ़ी है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस, आई होप एंजॉय किया होगा और थोड़ा बहुत समझा होगा। तो मैकेनिक्स एंजॉय करते हुए हम समझेंगे, ठीक है।